नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए जीके के 250 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पर जीके एग्जाम में आती है, कोई भी एग्जाम हो, जैसे रेलवे ग्रुप डी, NTPC, SSCGL, CPO, MTS, CSL, DRDO, MTS, दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस, कलर्क, पटवारी, ग्राम सेवक, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, राजस्थान पुलिस, पटवार, CTET, STET, RTET, MPTET या कोई फ्रेंड्स फोर्स का एग्जाम या फिर बैंक का एग्जाम, जहाँ जेके आती है, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर, ताकि जो भी आपके डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और फ्रेंड्स PDF के लिए गुरुकुल अकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन करें। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहां से आप लोग अभी से ही ज्वाइन करें टेलीग्राम को, वहां से आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरण की खोज किसने की थी? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, 5 सेकंड का फ्रेंड्स आपको वक्त मिलता है। जी हां, पराबैंगनी किरण की खोज की थी, रीटर ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा फ्रेंड्स, रीटर ने की थी पराबैंगनी किरण की खोज। नेक्स्ट है, हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? बताएंगे फटाफट। जी हां, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है हॉकी का जादूगर। और फ्रेंड्स हर साल 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिवस खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं मेजर ध्यानचंद का जन्मदिवस। नेक्स्ट है, अमरनाथ गुफा किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है अमरनाथ गुफा, यानी ए रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर, जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? नाना साहेब ने किया था 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व, सी रहेगा राइट आंसर, नाना साहेब। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा फल कौन सा है? सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो लोडोसिया का है सबसे बड़ा फल, यानी फ्रेंड्स ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, लोडोसिया। नेक्स्ट है, वाटरलू कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है वाटरलू? तो फ्रेंड्स बेल्जियम में स्थित है, तो सी होगा राइट आंसर, बेल्जियम, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ब्रिटिशों का सबसे अधिक प्रतिरोध किसने किया था? किसने किया था? मराठों ने किया था फ्रेंड्स, किसने किया था? मराठों ने किया था ब्रिटिशों का सबसे अधिक प्रतिरोध, यानी ए रहेगा राइट आंसर, मराठों ने, ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? 5 to 6 liter होती है मनुष्य के शरीर में रुधिर की मात्रा, यानी बी रहेगा राइट आंसर, 5 to 6 liter। नेक्स्ट है, सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? सबसे छोटा पुष्प होता है वुल्फिया, वुल्फिया सबसे छोटा पुष्प है, सबसे बड़ा होता है रफलेसिया का, तो सी रहेगा राइट आंसर, वुल्फिया। नेक्स्ट है, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध हैं फ्लाइंग सिख के नाम से? तो फ्रेंड्स मिल्खा सिंह है, कौन है? मिल्खा सिंह है फ्लाइंग सिख के नाम से, यानी ए रहेगा राइट आंसर, मिल्खा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी हैं? सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी हैं? तो फ्रेंड्स ये गामा किरणें हैं, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, गामा किरणें। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा आवर्त बीजी वृक्ष कौन सा है? सबसे बड़ा आवर्त बीजी वृक्ष कौन सा है? तो फ्रेंड्स यूकेलिप्टस है, यूकेलिप्टस है सबसे बड़ा आवर्त बीजी वृक्ष, तो डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मैक संख्या का संबंध किससे है? आंसर देंगे फटाफट, मैक संख्या का संबंध है वायुयान के वेग से, वायुयान के वेग से है, तो ए रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में प्रकाश संवेदी यौगिक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है?
किसका इस्तेमाल होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल होता है फोटोग्राफी में। प्रकाश संवेदी यौगिक बी रहेगा राइट आंसर, सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट है, वीनस की मूर्ति किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है फ्रेंड्स वीनस की मूर्ति? तो ये मधुबाला को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मधुबाला को कहा जाता है वीनस की मूर्ति। सी रहेगा राइट आंसर, मधुबाला। नेक्स्ट है, सिलिकॉन और जर्मेनियम किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड्स अर्धचालक का उदाहरण है सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, यानी सी रहेगा राइट आंसर, अर्धचालक। सी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, सबसे छोटा बीज कौन सा है? सबसे छोटा बीज कौन सा है? तो फ्रेंड्स आर्किड है सबसे छोटा बीज, यानी ए होगा राइट आंसर, आर्किड। नेक्स्ट है, बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? बटरफ्लाई शब्द का संबंध है तैराकी से। किससे फ्रेंड्स? तैराकी से है बटरफ्लाई शब्द का संबंध। सी रहेगा राइट आंसर, तैराकी। नेक्स्ट, कैलामेराइट किसका अयस्क है? कैलामेराइट किसका अयस्क है? तो फ्रेंड्स सोना का अयस्क है कैलामेराइट, यानी बी होगा राइट आंसर, सोना। नेक्स्ट, भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसको कहा जाता है? जी किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता, तो डी होगा राइट आंसर, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट देखिए, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सिबिलो फ्राफर्ड वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स अवसादी चट्टान में पाया जाता है कोयला, यानी बी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। याद रखना, कोयला अवसादी चट्टान में पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट, इडुकी परियोजना किस नदी पर है? इडुकी परियोजना किस नदी पर है? तो फ्रेंड्स ये पेरियार नदी पर है। किस नदी पर है इडुकी परियोजना? तो फ्रेंड्स ये है पेरियार नदी पर, यानी ए रहेगा राइट आंसर, पेरियार नदी। नेक्स्ट है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची किस अनुसूची में वर्णित है? किस अनुसूची में वर्णित है? तो फ्रेंड्स ये सातवीं अनुसूची में वर्णित है, यानी ए रहेगा राइट आंसर, सातवीं अनुसूची। नेक्स्ट है, रिकेट्स नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? रिकेट्स नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो फ्रेंड्स विटामिन डी की कमी से होती है रिकेट्स नामक बीमारी, यानी डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, विटामिन डी। नेक्स्ट है, डिप्थीरिया नामक बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? किस अंग को प्रभावित करती है? तो गले को प्रभावित करती है, यानी फ्रेंड्स डी रहेगा राइट आंसर, गला। नेक्स्ट है, भोर तथा सायकाल का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर तथा सायकाल का जो तारा है किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, सी रहेगा राइट आंसर, शुक्र ग्रह। नेक्स्ट है, गोलकुंडा किला किस राज्य में अवस्थित है? गोलकुंडा किला किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखना आप लोग, तेलंगाना राज्य में अवस्थित है गोलकुंडा किला, तो बी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर, तेलंगाना। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ स्थित है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय? जेनेवा में है। तो फ्रेंड्स सी रहेगा राइट आंसर, जेनेवा। नेक्स्ट देखिए क्या है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य होता है सबसे अधिक, यानी ए रहेगा राइट आंसर, लाल रंग। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। सी रहेगा राइट आंसर, 8 मार्च। नेक्स्ट है, पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी किस वर्ष रखा गया? किस वर्ष रखा गया पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी? किस वर्ष? 1 अक्टूबर 2006 को। तो बी होगा राइट आंसर, 1 अक्टूबर 2006। नेक्स्ट,
न्याय की जंजीर किस मुगल शासक ने स्थापित करवाई थी? किसने करवाई थी? जहांगीर ने स्थापित करवाई थी न्याय की जंजीर, यानी बी रहेगा राइट आंसर जहांगीर। नेक्स्ट है देखिएगा, भूमध्य सागर कितने महाद्वीपों की सीमा को छूती है, यानी कितने महाद्वीपों की सीमा को छूता है भूमध्य सागर? तो तीन महाद्वीपों की सीमा को, तो सी होगा राइट आंसर तीन। नेक्स्ट, जल प्लावित क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जानते हैं? तो फ्रेंड्स, हाइड्रोफाइट के नाम से जाना जाता है जल प्लावित क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति को, तो सी रहेगा राइट आंसर हाइड्रोफाइट, सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, डोंगरी किस राज्य की भाषा है, डोंगरी किस राज्य की भाषा है? तो ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य की भाषा है डोंगरी, तो सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शनि ग्रह में मौजूद वलयों की संख्या कितनी है, शनि ग्रह में मौजूद वलयों की संख्या कितनी है? सात है, तो ए होगा राइट आंसर सात। नेक्स्ट है, कितनी पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है, कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, कमलेश्वर हैं। कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक, तो बी रहेगा राइट आंसर कमलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है, किस नदी पर? तो फ्रेंड्स, चेनाब नदी पर स्थित है, याद रखना सलाल परियोजना, यानी ए रहेगा राइट आंसर चेनाब नदी। नेक्स्ट है, शोषण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियां क्या कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? तो मेसोफाइट कहलाती हैं, डी रहेगा राइट आंसर मेसोफाइट। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का जो नारा है किसने दिया था, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, सी रहेगा राइट आंसर लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट, किस क्रिकेट खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है, किस क्रिकेट खिलाड़ी को कहा जाता है रावलपिंडी एक्सप्रेस? तो फ्रेंड्स, शोएब अख्तर को कहा जाता है, यानी ए रहेगा राइट आंसर शोएब अख्तर, ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सवेज नहर किन महासागरों को जोड़ता है, सवेज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो फ्रेंड्स, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सवेज नहर, तो बी रहेगा राइट आंसर भूमध्य सागर और लाल सागर, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोका आंदोलन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, किसके समय में हुआ था? ये हुआ था नॉर्थ ब्रुक के समय में, तो सी रहेगा राइट आंसर नॉर्थ ब्रुक, सी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, जड़तों के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, जड़तों के नियम का प्रतिपादन किया था किसने? गैलीलियो ने किया था, जी हाँ फ्रेंड्स, ए रहेगा राइट आंसर। जड़तों के नियम का प्रतिपादन पूछा है, प्रतिपादन, तो यहां आंसर होगा गैलीलियो, ठीक है। नेक्स्ट है, किस भारतीय राजा ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी, किस भारतीय राजा ने की थी? महेंद्र प्रताप ने की थी, देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना, तो बी रहेगा राइट आंसर महेंद्र प्रताप। नेक्स्ट है, शेषुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, कहाँ पर बनाई थी? तो फ्रेंड्स, वैशाली में बनाई थी शेषुनाग ने अपनी राजधानी, तो सी होगा राइट आंसर वैशाली। नेक्स्ट है, बैरोमीटर का पारा का अचानक गिरना किसको प्रदर्शित करता है, बैरोमीटर के पारे का अचानक गिरना किसको प्रदर्शित करता है? तो फ्रेंड्स, तूफान को प्रदर्शित करता है, ए रहेगा राइट आंसर तूफान। नेक्स्ट है, स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल में किसके द्वारा लागू की गई, किसके द्वारा की गई लागू? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, बी रहेगा राइट आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति दो वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं, कितने सदस्य? एक तिहाई सदस्य, यानी ए रहेगा राइट आंसर एक तिहाई। नेक्स्ट है,
रेडियो तरंगों का परावर्तन किस मंडल में होता है, किस मंडल में होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है आयन मंडल में। सी रहेगा राइट आंसर, आयन मंडल। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया है, इस फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। जो लोग पहली बार यहां आए हैं जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।